नमस्कार, जय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। उत्तर प्रदेश अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव ने डीआईजी रंजीत सिंह एवं बीओ शिव कुमार पर लगाया भ्रष्टाचारी का आरोप। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में रामेंद्र कुमार यादव ने क्या कहा। जाते हैं और देखा करते हैं कहां से नोटिस इनके खिलाफ आ जाए, तत्काल नोटिस पकड़ा सौदा कर ले। ये रहते कि कभी अपने जवान का सम्मान करना नहीं जाने तो ये थाने जाते हैं तो इनका एक कांस्टेबल और एक जवान हमारा इनका सलाम करना नहीं चाहता है, क्योंकि इनके ऐसे कर्म हैं। तो ये पूरी तरीके से इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ और डीजी साहब से मांग करता हूँ और श्रीमान प्रमुख सचिव जी अगर गंभीर हैं जवानों के लिए तो इस पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाएं, नहीं तो मैं तो आगे जाऊंगा और बैठूंगा नहीं उस जवान का जिसका एक्सीडेंट हुआ, शिव कुमार का, उसका कृष्ण कुमार का, और उस बीओ जो अन्याय कर रहा शिव कुमार बीओ उन्नाव, इसको हम पनिशमेंट कड़ा से कड़ा दिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। इन वैतनिक स्टाफ को करने दूंगा। आज मेरा एक प्रदेश कार्यालय मुख्यालय बन रहा, मैं पूरा ऑनलाइन करने जा रहा हूं। इनका एक एक काला कारनामा जो किए हैं मैं खोल कर रख दूंगा, इनका सीधा काला ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये एक भ्रष्टाचार अधिकारियों का वो आने वाला समय मैं रिपोर्ट करके दिखा दूंगा कि ये कितने लोग उस जार में बंद के आ जाएंगे, ये देखने वाली आगे बात है। उसका सिस्टम मैं बैठा रहा हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों से अपना अपना डर खत्म कर दें, जो ये धमकी देते हैं तुम्हें नोटिस दे देंगे। नोटिस चोर क्या दे देगा, सच्चाई कोई हरा नहीं पाया। संघर्ष करना सीखो, अपना हक लेना सीखो, और जिसने संघर्ष किया सच्चाई से लड़ा वो हमेशा जीत हुई, ये इतिहास गवाह है। तो अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज लोग से ज्यादा अत्याचार होमगार्ड के अधिकारी होमगार्ड के साथ कर रहे हैं। बड़े मेरठ में देखिए, इनको थोड़े से पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वहां पर जब एक जवान रिटायर हुआ तो वहां थाना पूरी तरीके से सम्मान के साथ उसको विदाई समारोह किया और थाना अध्यक्ष उसको इतना बढ़िया कार्य किया कि उसका पैर छू के आशीर्वाद लिया। तो मैं ऐसे थानेदार को बहुत बहुत 1,18,000 जवानों की तरफ से और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। वही जगह पर ये होमगार्ड अधिकारी को जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये अपने जवानों का सम्मान नहीं, ये बैठे ताका करते हैं। बगुला की तरह कहाँ से पकड़े मिले जो लगा बड़ा वाला इंजेक्शन इनका। हमारे समक्ष मौजूद हैं होमगार्ड प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी, जो कि बीओ शिव कुमार और डीआईजी रंजीत सिंह पर कड़े आरोप लगाते हुए, और बीओ जो शिव कुमार हैं उन्होंने बोला कि जब तक के डीआईजी रंजीत सिंह हैं तब तक के उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस विषय पर रामेंद्र यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी सत्यता है इसमें? जी रामेंद्र जी बताए। संपादक महोदय और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं साक्षों को साथ दे रहा हूँ बता रहा हूँ जो सच्चाई है। मैं जो भी बोलता हूँ कभी वो रिकॉर्ड के साथ बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। आज 6/7/2021 को कृष्ण कुमार कंपनी बीघापुर उन्नाव जिनका ड्यूटी पीरियड में एक्सीडेंट हो गया, वो चलने फिरने में असमर्थ, वहां का थाना पूरी मदद कर रहा, तस्करा छोड़ा, लेकिन हमारे बीओ शिव कुमार जी यानी थाने से बड़े कमांडेंट महोदय जी से बड़े यानी कानून और संविधान के ऊपर वो चलते हैं, यानी उनका कहना है जब तक हमारे श्रीमान डीआईजी रंजीत सिंह उत्तर प्रदेश है तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं कुछ भी करूं, यहां तक कमांड लिखे कितना लिखेंगे वो भी कुछ मेरा नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये उनका कहना है। आज फोन पर 11:30 बजे उस एक्सीडेंट भुक्त भोगी को होमगार्ड जवान को उन्होंने धमकी दिया
कहा यदि तुम ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ अनुशासन का नोटिस भिजवा के डिपार्ट से निकाल दूंगा, नहीं तो जवान मत खोलना। तो इस तरीके से डरा धमका के और उनके दिनचर्या में डेली उनको मुर्गा चाहिए और रंगीन मिजाज यानी बोतल भी चाहिए। इनको आए दिन का ये काम है होमगार्डों से किसी न किसी तरीके से पैसा लेना है, तो वो गाढ़ी कमाई खून पसीना का पैसा कैसे दे दें। आज अत्य कर दिया, जब वो वहां का दीवान जी ने बताए कि वो बेचारे के यहाँ पर जितने गार्ड हैं होमगार्ड जवान उनको सबको ये परेशान किए हुए है और खुद 14 दिन गैर हाजिर है जिसकी एब्सेंटी मेरे रजिस्टर पर अंकित है और फिर भी उसका पैसा पूरा पूरा बन गया बीओ का, कैसे बन गया ये उनका कहना है दीवान जी का और मेरे पास रिकॉर्ड भी आ चुका है। ये बात मैं श्रीमान कमांडर साहब को बताया हूँ और रिकॉर्ड सहित भेजा भी हूँ। और जबकि शासन आदेश है कोई जवान चोटहिल होता है और चलने में असमर्थ है तो उसको 3 से 6 महीने जब तक वो चल नहीं पाता है उसका पैसा बनेगा। तो ये उल्लंघन कर रहे हैं तो इनको कानून तो पढ़ाया नहीं गया, एक तो जानते नहीं है, संविधान जानते नहीं, सम्मान करना कानून का आता नहीं, तो जिनको कानून ही नहीं मानो तो कानून का सम्मान कैसे करें।